आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कमाल का गेमिंग पीसी। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सार्थक भाई एक पीसी बिल्ड हो जाए, वो भी एंटेक की टॉर्क कैबिनेट के अंदर। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, एंड ऐसा बनाएंगे कि देख करके यार मतलब मजा सा ही आ जाए इस पीसी को। सो गाइस सारे कंपोनेंट्स आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहां पर है, एंड देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि जो पीसी बिल्ड ये होने वाला है वो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। 4.5 लाख रुपए का गेमिंग पीसी बिल्ड हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं। तो गाइस मजा काफी ज्यादा आने वाला है, एंड मतलब 4.5 लाख बोलते ही मतलब मेरी जवान भी लड़खड़ा गई। देख रहे हो मतलब काफी हैवी पीसी बिल्ड होने वाला है, मजा काफी ज्यादा आने वाला है। सो गाइस वीडियो एंड तक देखते रहना। इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोग जो जो कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसको बिल्ड भी करेंगे एंड इसके बेंचमार्क्स को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको भी अपने लिए ड्रीम पीसी बनवाना हो तो आप डेफिनेटली यार हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है modexcomputers.com, यहां पर आपको ना कस्टम पीसी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। नो मैटर व्हाट कि आपको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाना है, आप एएमडी इंटेल यहां से सिलेक्ट करके एंड देन अपने मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम सब कुछ यहां पर सिलेक्ट करके अपने हिसाब से यहां पर एक कस्टम पीसी बिल्ड कर सकते हो। एंड देन बिल्ड करने के बाद आप यहां से डायरेक्टली यार ऑर्डर भी कर सकते हो, बस कुछ नहीं यहां पर पेमेंट कर दो एंड देन फिर कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर पर पहुंच जाएगा आपका चमचमाता हुआ पीसी। या फिर ना गाइस आप हमको कॉल भी कर सकते हो, हम कॉल के थ्रू भी आपके पीसी के ऑर्डर्स लेते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो हमारा नंबर है वो है 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हो। और हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि भैया संडे को बंद रहता है, तो संडे को प्लीज कॉल ना करें, कोई फायदा नहीं है, नंबर स्विच ऑफ आएगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आप हमको कॉल कर सकते हो एंड रीच आउट कर सकते हो। बाकी संडे को वेबसाइट के थ्रू अगर डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हो तो वो चीज आप कर सकते हो। टेक कॉल वाली सुविधा मंडे टू सैटरडे है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के बारे में। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में जो कि आज के इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहां पर हमारे प्रोसेसर से, जिसको लेकर यार काफी लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले इंटेल की तरफ से कोर i9 11900K प्रोसेसर। अब इससे पहले कि काफी लोग यार कमेंट सेक्शन के अंदर पहुंच जाए, मतलब बहुत सारे लोगों के जो कि यार डेफिनेटली जाने वाले हैं एंड वो ये कमेंट करेंगे कि सार्थक भाई 11900K ही क्यों, कोई और प्रोसेसर आपने यहां पर यूज नहीं करा। देखो भाई ऐसा है कि 11900K यहां पर हमने इसलिए यूज कराया कि जितने भी दूसरे हाई एंड प्रोसेसर हैं हर एक प्रोसेसर के साथ में मैंने अपने चैनल के ऊपर यार वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। बस खाली 11900K ही ऐसा प्रोसेसर है जिसके साथ में मैंने कोई भी पीसी बिल्ड यहां पर नहीं करा। मुझे पता है भले इसके अंदर 8 कोर 16 थ्रेड मिलते हैं जो कि एक फ्लैगशिप सीपीयू के हिसाब से थोड़े कम रह जाते हैं, मतलब इतने नहीं होने, थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, बट कोई नहीं, फिर भी यहां पर हम लोग 11900K का यूज करने वाले। एंड कंसिडरिंग ये पीसी जो है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए होने वाला है, तो उसके हिसाब से 8 कोर और 16 थ्रेड जो है यहां पर मोर देन इनफ हमारे लिए रहने वाले हैं। बात करेंगे हमारे AIO लिक्विड कूलर के बारे में, तो यहां पर हम लोग अपने 11900K के लिए यूज करने वाले हैं MSI की तरफ से उनका मैक कोर लिक्विड K360। अभी जो K360 वाला लिक्विड कूलर है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी यूज करा है, एंड इसको यूज करने का रीजन एक तो यह है कि इसके अंदर आपको जो सीपीयू ब्लॉक है ना उसके ऊपर एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि थोड़ा सा एस्थेटिक्स वाइज इस पूरे पीसी को जो थोड़ा सा आगे ले जाएगा। एंड 360mm का लिक्विड कूलर है तो वो भी जो है काफी बढ़िया चीज है, तो इसलिए हम लोग जो इसका यहां पर यूज करने वाले। बात करेंगे यहां पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, सो यहां पर हम लोग यूज करने वाले अपने 11900K के लिए मैग Z590 गेमिंग कार्बन वाईफाई। तो इस मदरबोर्ड का हम लोग यहां पर यूज करने वाले MSI की तरफ से आ जाता है Z590 गेमिंग कार्बन वाईफाई, बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रांग VRM सेक्शन के साथ में आता है एंड 11900K को ये इजीली यहां पर हैंडल कर सकता है एंड इस पीसी बिल्ड के हिसाब से एकदम बढ़िया चॉइस यहां पर रहने वाली है। बात करेंगे यहां पर हमारी रैम के बारे में, सो जितने भी मेरे हाई एंड पीसी बिल्ड्स होते हैं उसके अंदर मैं इसी रैम का यूज करता हूं, मतलब ये दिखने में जो है काफी बढ़िया सी लगती है। तो यह कॉर्सेयर की तरफ से उनकी डोमिनेटर प्लैटिनम RGB 32GB की किट है ये, 8-8GB की टोटल 4 स्टिक्स जो कि 4000 MHz के ऊपर यहां पर क्लॉक्ड है एंड इसका जो हम लोग यहां पर यूज करने वाले काफी बढ़िया सी लगती है एंड मतलब कॉर्सेयर के IQ सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर कंट्रोल कर सकते हो इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स को। ठीक है गाइस, एंड यहां पर हम लोग अब हमारा क्या रह गया है, बात करें गाइस यहां पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, मतलब मेन चीज तो यहां पर रह गई है। तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं, देख कर ही आपको पता चल गया होगा, पता नहीं छोटा छोटा दिख रहा है या ढंग से दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि कौन सा कार्ड है। तो ये है भैया MSI की तरफ से उनका RTX 3090 Supreme X। भैया इनका एक गेमिंग एक्स ट्रायो भी आता है लेकिन उसके मुकाबले जो इनका सुप्रीम एक्स है ना MSI का, भाई इसके लुक्स के बारे में आपको क्या ही बताऊं, देखने में जो ये कार्ड है ना एस्थेटिक्स वाइज
बहुत ही ज्यादा यार कमाल का लगता है। एंड इसकी जो हीट सिंक है ना वो भी यार बहुत अच्छी खासी मोटी सी मिलती है, मतलब कार्ड की जो क्वालिटी है ना वो देखकर ही यार पता चल जाती है। क्योंकि वैसे इस कार्ड को मैंने एक बार अपने चैनल के ऊपर पहले भी शोकेस करा है, बट आज दोबारा से यार देख लेना इस कार्ड को। एंड मतलब मैं चाहता था कि बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन सारी चीजों को यहां पर यूज करा जाए, तो इसलिए हम लोग जो है यहां पर MSI की तरफ से उनका RTX 3090 यूज करने वाले हैं, जो कि 24GB की VRAM के साथ में आ जाता है। बात करें गाइस यहां पर हमारे SSD के बारे में, तो यहां पर हम लोग एक SSD का यूज करने वाले हैं जो कि एक Gen 4 SSD है, एंड ये आ जाती है MSI की तरफ से उनकी। जी हाँ गाइज, मतलब ये हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, तो यहां पर हम लोग एक SSD यूज करने वाले हैं जो कि आ जाती है MSI की तरफ से। तो MSI ने अपनी जो है NVMe SSDs को भी लॉन्च कर दिया, मतलब MSI अब सब कुछ बनाने लगा यार, मतलब लिक्विड कूलर भी, उनका मदरबोर्ड भी आता है, उनकी पावर सप्लाई भी है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मतलब अभी बता देता हूं, MSI की 850 वाट की पावर सप्लाई का यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ बना रहे, ग्राफिक्स कार्ड भी बनाते हैं, ठीक है, कैबिनेट्स भी बनाते हैं, सब बनाते हैं MSI। तो इनकी हम लोग यहां पर स्पेटियम M480, ये मतलब मॉडल नेम है इसका, ठीक है, इस NVMe SSD का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, जो कि 2TB की NVMe SSD है एंड Gen 4 SSD है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका यहां पर यूज करने वाले हैं। 2TB मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहने वाली है हमारे सॉफ्टवेयर एंड गेम्स को लोड करने के लिए यहां पर अभी, ठीक है गाइस। एंड बात करें यहां पर हम लोग एक इसका भी यूज करने वाले हैं, कस्टम स्लीप केबल्स का, जो कि आ जाती है Sensei Mods की तरफ से, एंड काफी कमाल की केबल्स बनाते हैं यार Sensei Mods, एंड जो हमसे पीसी बेल्ट भी ऑर्डर करते हैं ना, तो उनको भी मैं बताता रहता हूं, उनकी भी पीसी बेल्ट के अंदर लगाता रहता हूं। तो आपको अगर Sensei Mods की कस्टम स्लीप केबल चाहिए हो, तो आप जो हमसे कस्टम पीसी बेल्ट बनवाओगे ना हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के, तो उनको भी लगा के देते हैं, एंड बहुत ही कमाल की बनाते हैं यार। मतलब इनकी वेबसाइट की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आपको अलग से भी चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन के ऊपर भी मिल जाती है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमाल की कस्टम स्लीप केबल्स का यूज करते हैं। एंड बाकी मैंने आपको पावर सप्लाई के बारे में तो यार बता ही दिया था, MSI की 850 वाट की A850GF, दिख नहीं रहा यार मॉडल नेम, ठीक है, शायद यही नाम है इसका। तो 850 वाट की पावर सप्लाई का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। बात करें यहां पर हमारी कैबिनेट के बारे में, तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं Antec की टॉर्क कैबिनेट, जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सार्थक भाई यार एक Antec की टॉर्क कैबिनेट के अंदर यार पीसी बिल्ड हो जाए। अब इसका कलर मैं आपको बता देता हूं, तो एक ये जो Antec की टॉर्क है, एक ये आती है रेड एंड ब्लैक कलर में, एंड एक आती है व्हाइट एंड ब्लैक में शायद, ठीक है, व्हाइट के साथ में ग्रेश या फिर व्हाइटिश वाला कलर है वो, ठीक है। तो हाँ जी, ये व्हाइट वाला वर्जन हम लोग इसका यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वैसे मैंने मांगी Antec से, ये मैंने Antec वालों को कॉन्टैक्ट करा कि Antec वालों प्लीज एक कैबिनेट भेज दी जाए हमारे घर पे, तो उनको मैंने बोला कि भैया अपनी रेड वाली भेजना, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी फिलहाल रेड वाली जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो ये कह रहे थे व्हाइट वाली अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, व्हाइट वाली भेज दो यार, इसी के अंदर बना लेंगे, जो लोगों की डिमांड है यार वो तो फटाफट से फुलफिल हो जाएगी, Antec की टॉर्क कैबिनेट के अंदर उनको पीसी बिल्ड चाहिए। एंड इस कैबिनेट को मैंने सिर्फ पिक्चर्स के अंदर देखा है, और बस खाली टेबल के ऊपर थोड़ी देर के लिए मैंने देखा था, सजा हुआ था, उसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी Antec टॉर्क कैबिनेट के अंदर खुद से बिल्ड नहीं कराया। तो मतलब इसके अंदर पीसी बिल्डिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहेगा, उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे जब पूरा पीसी बिल्ड बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखते हैं यार, मजा आएगा इस कैबिनेट के अंदर बिल्ड करेंगे, क्योंकि काफी डिफरेंट सा डिजाइन है इस कैबिनेट का, तो मतलब एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहने वाला है वो तो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। सभी कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अब फटाफट से इस पीसी को हम लोग बिल्ड करना शुरू करते हैं।
गाइस सबसे पहले तो एक काम करो कि फटाफट से जाओ यार कमेंट सेक्शन के अंदर एंड जाकर के बताओ कि ये जो एंटेक की टॉर कैबिनेट के अंदर हमने जो ये पीसी बिल्ड करा है, इसका जो लुक है वो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि एस्थेटिक्स वाइज ये जो पीसी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आपको ये जो पीसी है वो लुक्स वाइज कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो कैबिनेट है इसका जो डिजाइन है एंटेक टॉर का वो काफी डिफरेंट सा है। देखो यहां पर ये चीज नहीं आती कि हाँ मतलब ठीक लग रहा है, या तो आपको इसका लुक यार अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा, ठीक है, बीच की कोई चीज नहीं है क्योंकि काफी डिफरेंट सा डिजाइन है, या तो पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर बताना कि क्या आपको ये पसंद आया या फिर नहीं। अच्छा वैसे पर्सनली स्पीकिंग यार मतलब कि मुझे नहीं पता कि कैमरा के अंदर आपको कितना समझ में आ रहा है, बट अगर मैं इन पर्सन इस पीसी को देख रहा हूं ना तो भाई बहुत जबरदस्त लग रहा है देखने में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ रॉकेट वगैरह रखा है यहाँ पर, मतलब बहुत डिफरेंट सा डिजाइन है, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। और हाँ इसके बारे में एक ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई इस कैबिनेट के अंदर अपना पीसी बिल्ड बनाता है और इसको अगर अपनी टेबल के ऊपर रखता है ना, तो कोई भी अगर उसके घर में आता है या फिर मतलब जहां पर भी रखा होगा उस बंदे ने, कोई भी आके देखेगा ना उसके, तो वो ये जरूर कहने वाला है कि भाई ये क्या चीज रखी है, ये पीसी है ना, ये मतलब ये क्या चीज है ये, तो मतलब इतने डिफरेंट डिजाइन के साथ में कि लोगों की जो नजर है वो इसके ऊपर यार डेफिनेटली जाएगी। वैसे जो एंटेक की टॉर कैबिनेट आई है ये कोई नई कैबिनेट नहीं आई है मार्केट के अंदर, ये काफी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बट मैंने अपने चैनल के ऊपर कभी दिखाई नहीं थी इस टाइप की कैबिनेट, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस पीसी बिल्ड की वीडियो के अंदर इसी कैबिनेट का यूज कर लिया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी जो है हम इससे अचीव यहां पर कर लेंगे। एंड बहुत सारे लोग की यार रिक्वेस्ट भी थी कि भाई एंटेक टॉर कैबिनेट के अंदर एक पीसी बिल्ड तो यार बनता ही है, बाकी और भी ब्रांड्स जैसे कूगर ब्रांड है उनकी तरफ से भी कुछ इस टाइप के डिजाइन के अंदर जो है कैबिनेट हमें देखने को मिलती है, काफी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, तो वो भी मैं यार कोशिश करूंगा अपने चैनल के ऊपर लेकर के आप लोगों को दिखाऊं कि उन कैबिनेट्स के अंदर जो लुक है वो कैसा निकल करके यहां पर आता है। अच्छा अगर कैबिनेट को साइड में रखें तो जो बाकी कंपोनेंट्स हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करें वो भी इसके अंदर जो है काफी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके एस्थेटिक्स को ऊपर ले जाने में, स्पेशली जो यहां पर हमारा ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर यहां पर जो आरजीबी स्ट्रिप है सुप्रीम एक्स आरटीएक्स 3090 हम लोगों ने यहां पर यूज करा था, तो एक तो भाई मतलब देख के ही पता चल जाता है कि काफी तगड़ी क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड है, लुक्स वाइज बहुत कमाल का लगता है, एंड यहाँ पर जो है ना आरजीबी स्ट्रिप काइंड ऑफ है तो वो मतलब जिसके अंदर सुप्रीम करके ऐसे लिखा हुआ है तो वो जो है यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का लगता है। एंड जो अगली चीज है जिसकी वजह से मतलब लुक्स यहाँ से ना मतलब यहाँ पहुंच गए वो है भाई हमारी जो यहाँ पर हमने कस्टम स्लीव्ड केबल्स यूज करी है सेंसई मॉड्स की तरफ से, ब्लैक एंड व्हाइट मैंने यहाँ पर यूज करी क्योंकि जो हमारी कैबिनेट है एंटेक टॉर्क ये व्हाइट में आती है, व्हाइट एंड ब्लैक में है ये कैबिनेट, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो व्हाइट का इस्तेमाल करा हुआ है एंड ब्लैक का यूज करा हुआ है इस कैबिनेट के अंदर, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट कस्टम स्लीव केबल्स का यूज करा था सेंसई मॉड्स की तरफ से, एंड ये इसके जो लुक्स को है काफी ऊपर ले जाती है। बाकी जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस गेमिंग पीसी की परफॉर्मेंस को देखने में, बेंचमार्क्स को देखने में कि i9-11900K एंड RTX 3090 जब ये कॉम्बो साथ में मिलता है तो यहां पर हमको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो अगली जो वीडियो आएगी चैनल के ऊपर उसके अंदर हम लोग देखेंगे इस गेमिंग पीसी के कुछ बेंचमार्क्स को, एक आध दिन के अंदर जो है वो वीडियो भी चैनल के ऊपर आ जाएगी। बाकी गाइस जाने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना कि इस पीसी की जो लुक्स है वो आपको कैसी लग रही है, मतलब एस्थेटिक्स वाइज जो पीसी आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, जो अगली वीडियो आएगी के अंदर हम लोग इसके बेंचमार्क्स को देखेंगे, तो सीधा मिलेंगे उस वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूजर नेम है वो है modextech, जो चैनल का नाम है वही मेरा यूजर नेम है, साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी जो लिंक है आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।